सो हाय दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम सेटिंग करने वाले हैं हायर स्मार्ट टीवी की। जो कलर सेटिंग है वो करने वाले हैं, ब्राइटनेस सेटिंग करने वाले हैं, सेचुरेशन सेटिंग करने वाले हैं, जो भी पिक्चर सेटिंग है वो सब करने वाले हैं। इसके लिए आपको जो आपका हायर स्मार्ट टीवी का रिमोट है, आपको रिमोट पर आपको मेन्यू का बटन होगा वो प्रेस करना है। प्रेस करते ही आपके पास चार ऑप्शन आ जाएंगे, सोर्स, पिक्चर, साउंड, कॉमन। तो आपको पिक्चर पे टैप कर देना है। पिक्चर मोड में आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो सेट होते हैं, आप इन्हें एनर्जी वीवीडी यूजर पे करोगे तो नीचे भी जो सेटिंग है वो अपने आप सेट होती हैं। आप ये चूज कर सकते हो या फिर आप मैन्युअली कर सकते हो। मैं इसे यहाँ पे यूजर पे रखता हूँ। और उसके बाद आप नीचे जो इसका कंट्रास्ट वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह, आप उसे मैन्युअली कर सकते हो। 1 से लेकर 100 तक मिलता है आपको, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 50, 55, 56 जो भी रखना चाहें आप। ब्राइटनेस भी आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। और कलर आगे यहाँ पे कलर भी आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप वहाँ पे इसे रख दें। शार्पनेस भी इसी तरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैक लाइट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे रहती है। अगर आपको ज़्यादा लगती है तो आप कम कर दें, नहीं तो ये जहाँ पे है उसे वहीं पे रहने दें। और गाइज, यहाँ पे इन्होंने कुछ फीचर ऐड कर दिया है नॉइज रिडक्शन का, हाई, मिडिल, लो, तो आप इसे ऑटो पे कर दें। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आप देख लें, आपको स्क्रीन कहाँ पे रखनी है, 16:9 पे रखनी है या फिर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं, 4:3 पे, zoom 1 पे, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट स्कैन का ऑप्शन नया ऐड कर दिया इन्होंने। गाइज, अगर आपने अभी तक अपना RTV अपडेट नहीं किया तो अपडेट ज़रूर कर लें। कलर टेम्परेचर है वार्म, नॉर्मल, कूल, तो मैं इसे नॉर्मल पर रख देता हूँ। इसके बाद मोर सेटिंग्स और ऐड कर दिए हैं इन्होंने, वो मैं आपको इसीलिए बोल रहा था, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो टीवी अपडेट ज़रूर कर लें। काफ़ी फीचर ऐड हो गए हैं, जैसे ये फीचर है DLC का और HDMI मोड यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको ये सब फीचर मिल जाएंगे ऑटो। और आपको नहीं पता कैसे अपडेट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे आप इसे अपडेट कर सकते हैं। HDMI में आप इसे ग्राफिक पे रख सकते हैं, वीडियो पे रख सकते हैं या फिर ऑटो पे रख सकते हैं। हम सजेस्ट करेंगे आप इसे ऑटो पे रखें, क्योंकि TV अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेता है अगर आप इसे ऑटो पे कर देते हैं तो। उसके बाद मोर सेटिंग के बाद गाइज, आपको यहाँ पे आगे देखेंगे, आप एक साउंड का ऑप्शन है और कॉमन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप साउंड पे टैप करके साउंड की कुछ सेटिंग्स करना चाहें तो साउंड की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर हैं जो नए ऐड कर दिए गए हैं, AVC और मोर सेटिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे मोर सेटिंग में क्या क्या सेटिंग नहीं है। और यहाँ पे कॉमन का मोड मिलता है और इसमें आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। आप स्टोर मोड एक ऐड कर दिया है, अगर आप स्टोर मोड ऑन कर देते हैं तो ऊपर पूरा जो सोशल मीडिया, फेसबुक, स्काइप वगैरह की हैं वो सब आप ऊपर यहाँ पे लाइन आ जाएगी, वो आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सब सेटिंग थी गाइज, आप अपने LED TV की ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कलर सेटिंग कर सकते हैं, सेचुरेशन वगैरह सब, पिक्चर की सेटिंग है जो सब हमने ऑल सेटिंग आपको बता दी है, आप ये सब कर सकते हैं। और अपने TV का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है उसे आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे।